मध्य प्रदेश में आशा उषा और आशा सहयोगिनी बहनें लंबे अरसे से अपनी मांगों को लेकर जद्दोजहद कर रही है। इसी बीच 42 डिग्री तापमान के बीच ये बहनें कलेक्टर कार्यालय पहुंची और 3 सूत्रीय मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। हम आपको बता दें, पहले भी अपनी मांगों को लेकर कई प्रदर्शन किए, इस बीच बुधवार को धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार अल्प राशि देकर शोषण कर रही है, जिसके विरोध में प्रदर्शन करने उतरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। हम आशा उषा, आशा सहयोगिनी, आशा पर्यवेक्षक आज जिला कलेक्टर में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारी मांगे अभी वही है कि आशा कार्यकर्ता को प्रेरक राशि न देते हुए उनकी 10,000 फिक्स कर दी जाए और आशा सुपरवाइजर के पास 10 से 20 गांव है, इसलिए उनको 15,000 रुपये तनख्वाह की जाए। ये मांगे हमारी बहुत दिन से चल रही है, हमारी बहनें हड़ताल पे भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी तक भी इस बात की सूचना नहीं है और न वो सूचना लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, हमने हर बार निवेदन किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये बहनों को बहना बोलने से सब कुछ नहीं होता, भाई बन के दिखाओ। ग्रामीण क्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो हम जैसी बहनें स्वास्थ्य के लेकर पूरी जानकारी से लेकर सब उनकी हल करने में हम लोग मदद करते हैं। फिर आप लोग बहना योजना चला रहे हो तो हम कौन हैं? आपको नहीं लग रहा कि हम बहना हैं? और आप बहना योजना चुनाव के लिए अगर चला रहे हो तो अभी तक उनके केवल फॉर्म भरे जा रहे हैं। चुनाव में आप समझो कि बहना योजना से आपको लाभ मिल जाए, वोटिंग हो जाए, तो ये गलत है। उसमें से आपने बहना योजना वाला एक फार्मूला निकाला तो है, पर वो भरते भरते और उनके पैसे दिलाले में ही आपका चुनाव आ जाएगा। तो आप ये ना, ये झूठे आश्वासन मत दीजिए, क्योंकि आशा और आशा पर्यवेक्षक उषा कब से परेशान हो रही, लड़ रही हैं। लड़ते लड़ते कुछ बहनें हमारी शहीद हो चुकी हैं, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक उसको ध्यान में नहीं रखा, न बहनों की मांगों पे कोई ध्यान दे रहे हैं। मैं अभी ये चुनाव आने वाले आगामी चुनाव को लेके, मैं तो यही कह रही कि आगामी चुनाव आने वाले हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को समझ जाना चाहिए। पिछली बार भी आपकी सरकार को बदल दी गई थी, पर आपकी सरकार को लाने में सिंधिया जी का हाथ है। अगर ऐसे ही बिकने वाले नेता आपके साथ हैं, इसलिए आपको डर हमारे जैसे गरीब बहनों का नहीं है। अगर हम आप लोग आशा और उषा, आशा सुपरवाइजर की इस बार भी मांग नहीं माने तो आपकी सरकार तो बदलनी है और हम चुनाव का भ्रष्टाचार करेंगे ही करेंगे। क्या नाम है आपका? रेखा रणसोरे, जिला अध्यक्ष आशा उषा संघ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।